हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अमीशाज चैनल। और आज हम इसे बनाएंगे सूपी नूडल्स। उसके लिए हम लेंगे चाउमीन, इसे हम उबाल कर स्टेन कर लेंगे। इसका एक्सेस पानी निकाल लेंगे इसमें से, और फिर इसमें हम डालेंगे ऑनियन, चॉप ऑनियन, कैप्सिकम और बीट रूट, और ये अदरक, लहसुन और गोलकी का पेस्ट है। अब इसमें हम बनाते हैं। कढ़ाई गर्म करेंगे, इसमें जो भी तेल आप खाते हैं वो तेल इसमें डालेंगे। उसे अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। मैंने इसे मस्टर्ड ऑयल डाला है। अब ये गर्म हो गई है, इसमें एक एक करके सारी सामग्री डालते जाएंगे। पहले ऑनियन डालेंगे, इसके अलावा भी आपको जो डालना है बीटरूट डाल दिए हैं, आपको मिर्च डालना है या मटर डालनी है तो डाल सकते हैं। अभी अच्छी तरह से भून लेंगे। नमक डालेंगे, अच्छी तरह भून गया है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक, लहसुन और गोलकी का पेस्ट। लाल मिर्च का पाउडर, कश्मीरी मिर्च लगाने के लिए, इसे थोड़ा छाप कर रखेंगे ताकि ये बढ़िया से पक जाए। अब अच्छी तरह से भून गई है, इसमें डालेंगे व्हाइट विनेगर 2-3 चम्मच, अच्छी तरह से भून लेंगे। आप तेज रखेंगे और इसे भून लेंगे। यदि अच्छी तरह से भून जा जाएगा तब इसमें हम चावल मसाला डालेंगे। इसका चावल मसाला तो मार्केट में आसानी से मिल जाती है, इसे हम 2 चम्मच डालेंगे। अब इसमें हम कप के हिसाब से 1.5 कप पानी डालेंगे। वन एंड हाफ कप इसमें पानी ऐड करेंगे और फिर इसको अच्छे से चला कर इसको मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। बंद करके 4 से 5 मिनट के लिए से पकने देंगे। गैस का फ्लेम इसमें थोड़ा लो कर देंगे, मीडियम फ्लेम में रखकर। 5 मिनट पूरे हो गए हैं, अब इसे हम खोल के देखते हैं। वाह, क्या रंग आया है।
इसे हम चला देंगे। इसे हम एक मिनट इसे बंद करके गैस ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ी देर फ्यू मिनट छाप के रख देंगे। फिर हम इन लोग को इसको प्लेट में निकालेंगे। अब इसे हम प्लेट में सर्व करेंगे। ड्राई नूडल्स फ्रेंड्स आपने हमेशा खाए हैं, अब एक बार सूखे नूडल ट्राई करके देखिए, बहुत टेस्टी बनता है। ये देखिए, ये हो गया रेडी। तो फ्रेंड्स आप लोग भी ट्राई कीजिए और कमेंट में सेक्शन में जरूर बताइए कैसा बना है। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।